हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। बीजेपी ने एक फेक न्यूज के आधार पर यह दावा किया है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। बीजेपी के इस दावे पर आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश की सभी पार्टियां किसी न किसी धर्म या जाति की हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ सत्ता के दलालों की पार्टी है। उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी है, लेकिन बीजेपी न तो हिंदुओं की पार्टी है और न ही मुसलमानों की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ सत्ता के दलालों की पार्टी है। दरअसल अभी हाल ही में बीजेपी ने एक फेक न्यूज के हवाले से यह दावा किया था कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात के दौरान कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बताया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के आजमगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इस फेक न्यूज के आधार पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। बता दें कि यह फेक न्यूज जागरण समूह के उर्दू दैनिक इनकलाब में प्रकाशित हुई थी। कांग्रेस ने इस न्यूज को गलत बताया था। कांग्रेस ने कहा था कि राहुल गांधी ने मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं कहा था। यह खबर बीजेपी को सियासी फायदा पहुंचाने के लिए प्रकाशित की गई। कांग्रेस के साथ ही मीटिंग में मौजूद मुस्लिम बुद्धिजीवियों में से एक मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब ने भी इस खबर का खंडन किया था। उन्होंने बताया था कि वह मीटिंग में मौजूद थे। राहुल गांधी ने कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी नहीं कहा था। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल माइंड द न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।